हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को पता होगा कि आज से नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं, तो बहुत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम नवरात्रे में जिम को स्किप कर दें, क्योंकि वे उनकी सोच ये है कि अब हम वेजिटेरियन डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं कर सकते। जैसे वो वेजिटेरियन नहीं है, वे जैसे चिकन या अंडे जो भी खाते हैं, अब ये सोचते हैं कि अब नवरात्रों में तो नहीं खा सकते, तो इससे अच्छा है कि हम जिम को स्किप कर दें हफ्ते के लिए। जब नवरात्रे खत्म हो जाएंगे जब हम जिम स्टार्ट कर लेंगे, जब भी प्रोटीन पूरा होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, जिम स्किप मत करो, जिम में जाओ। ठीक है, मैं आज आपको वेजिटेरियन डाइट बता देता हूं जिससे आपका प्रोटीन पूरा होगा, आपकी मसल्स भी नहीं टूटेंगी। अगर आप जिम छोड़ दोगे तो बहुत ही दिक्कत होगी, आप जिम को स्किप मत करो। मैं आपको वेजिटेरियन डाइट बता देता हूँ कि आप वेजिटेरियन डाइट में क्या क्या यूज कर सकते हो जिससे आपका प्रोटीन भी पूरा होगा, फैट भी होगा और कार्ब्स भी होंगे, आपकी मसल्स नहीं टूटेंगी। जैसे आपकी मसल चल रही है वैसे ही काम करेगी, आपकी रिकवरी भी पूरी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले, जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी हम न्यू वीडियो लाएंगे आपके नोटिफिकेशन पर आ जाएगी। और एक प्लीज लाइक भी किया करो, लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए और न्यू वीडियो लाएंगे। जैसे कि मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि भाई वेजिटेरियन से हम प्रोटीन पूरा नहीं कर सकते, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं कि नवरात्रों की डाइट, नवरात्रों में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली फर्स्ट मील जो है हमारी, हमें ओट्स 200 से 250 ग्राम ओट्स, एक गिलास दूध, दो बनाना, इन सारी चीजों को मिक्स कर लो और इसमें टेस्ट के अनुसार एक या डेढ़ स्पून हनी मतलब शहद वो डाल लो। आप ये फर्स्ट मील में ये यूज करो, इसमें आपका फैट भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया और कार्ब्स भी आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड मील, मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग किसको बोलते हैं? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और लंच के जो बीच की मील होती है उसे मिड मॉर्निंग बोलते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 100 ग्राम पनीर और साथ में कोई भी फ्रूट्स ले लो। ठीक है, ये आपकी सेकंड मील होगी, इसमें प्रोटीन भी आ गया, आपके शुगर भी आ जाएगी जैसे जो भी फ्रूट लोगे आप। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड मील जो है कि लंच। लंच में आपको क्या करना है, अगर आपको रोटी लो तो राइस मत लो, अगर राइस लो तो रोटी, दोनों में से आपको एक चीज लेनी है। साथ में आपने प्रोटीन के लिए आपको या तो दाल या राजमा छोले ऐसी चीज को यूज करो जिससे आपको प्रोटीन भी पूरा होगा। ठीक है, और आपका पेट भी भरेगा और आपकी मसल्स की रिकवरी भी होगी। साथ में एक कटोरी दही भी लो और सलाद, जिसमें आपको फाइबर भी मिलेंगे। आपकी थर्ड मील ये होगी। फोर्थ मील में आप जैसे जिम में जाते हो वर्कआउट करने, तो वर्कआउट से पहले दो ब्राउन ब्रेड और उस पे एक या डेढ़ दो स्पून पीनट बटर, ये आपकी प्री वर्कआउट मील हो जाएगी। ठीक है, आप उसके बाद वर्कआउट हो गया, वर्कआउट के बाद आपने जो भी आपका प्रोटीन शेक है प्रोटीन यूज करो। अगर आपके पास प्रोटीन नहीं है तो नेक्स्ट डाइट सुन लो, आपने फिर क्या करना है, 100 ग्राम पनीर, ये आपने सुने होंगे स्वीट कॉर्न जो होते हैं, स्वीट कॉर्न पनीर, उसमें ही आप ऐड कर लो सोया चंक। मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि सोया चंक में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, आप इन चीजों को मिक्स करो। इसमें जैसे आप टमाटर, जो लोग प्याज खाते हो तो प्याज, खीरे, इस चीज को एक पूरी बड़ी बाउल में एक मील बना लो, जिससे आपके मसल्स की रिकवरी भी होगी, प्रोटीन भी मिलेगा और कार्ब्स भी मिलेंगे। एक मील आपकी ये होगी, जो आप मील लोगे आपकी जो वर्कआउट के बाद की मील है ये। ठीक है, अब हम आते हैं अपना डिनर में। डिनर में आपको क्या लेना है, डिनर में आपको लाइट डाइट लेनी है, जिससे आपका क्या होगा कि मसल्स की रिकवरी भी होगी और पेट भी भरा भरा नहीं लगेगा। डिनर में आप या तो राइस ले लो, ये उनके लिए है जिनको मसल्स ग्रोथ करनी है। राइस में आप मटर, मशरूम, थोड़ा सा पनीर, सोयाबीन चंक, राजमा, छोले, इस तरह की चीज आइटम को मिक्स कर लो और एक बाउल्स में ले लो
ठीक है, इसमें आपका प्रोटीन भी आ जाएगा, कार्ब्स भी आ जाएगा। ये मिल लो, रात को सोने से पहले एक गिलास गाय का दूध, ठीक है, आप ये मील यूज करो। जितनी मैंने आपको ये 5-6 मील बताई हैं, इनको यूज करो। आप इनको यूज करोगे, आप वर्कआउट करोगे, आपके वर्कआउट में भी अच्छा रिजल्ट आएगा, आपकी मसल्स नहीं टूटेंगी। आपकी जैसे जैसे रिजल्ट चल रहे थे वैसे ही रिजल्ट आएंगे। आप ये मत सोचना कि अब हम नवरात्र चल रहे हैं तो हम इसको स्किप कर दें, नहीं। आप जिम जाओ और जो मैं आपको डाइट बता रहा हूँ इस डाइट को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अंडे और मीट नहीं खा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। माता रानी का नाम लो और माता रानी के नाम से आप वेजिटेरियन डाइट लो, ये भी बहुत अच्छा आएगा आपके लिए। 7-8 दिन आपकी बॉडी उस चीजों से दूर जाएगी। जब आप उन चीजों को दोबारा यूज करोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। हमें वेजिटेरियन डाइट भी यूज करनी चाहिए, तो आप ये डाइट यूज करो, ठीक है, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट में बताएं, मैं कमेंट में बताओगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब ये डाइट थी मसल्स ग्रोथ के लिए। अब मैं कल बनाऊंगा फैट लूज, जो जिम में जाते हैं जिनको फैट लूज करना है उसके लिए। अगर आप ये डाइट चाहते हो तो आप मुझे रिप्लाई दो, मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने फिर दोबारा आऊंगा दोबारा डाइट लेके। बाय बाय, टेक केयर।